हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक और क्वेश्चन, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड पिछले क्लास में भी हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाले जाके के वीडियो देखिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन ना हो। यदि आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखते चलिएगा। हम कल क्या डिस्कस कर पाए थे कि यदि एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स बी है, इस दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू आपको दे रखा था, तब हमको निकालना क्या था कि मैट्रिक्स बी ए का वैल्यू क्या होगा। हम क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स का, ध्यान से सुनिएगा, हम क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी पॉसिबल है जब बीच वाला संख्या सेम हो। बीच वाले संख्या सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आप क्या कीजिए, एक साथ लिख लीजिए। और एक साथ लिखने के बाद बीच वाला नंबर यदि सेम आ रहा है तब आप कह सकते हैं कि हम ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणा कर सकते हैं। यदि बीच वाला नंबर सेम नहीं आ रहा है तब उस केस में उस मैट्रिक्स को आप गुणा नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। आज जो है, हम कल क्या बता चुके थे, ए इंटू बी का वैल्यू बता चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी इंटू ए का वैल्यू क्या होगा। और ये होमवर्क में भी था कि बी इंटू ए का वैल्यू आपको निकाल करके कहाँ सेंड करना था, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करना था। बहुत सारे बच्चे सेंड भी किए हैं और उसका रिपोर्ट उसके पास पहुंच भी गया है। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है एज ए होमवर्क, उसको आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे बना करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड करना है ताकि आपके परफॉर्मेंस को हम चेक कर पाए कि आपका क्या ग्रोथ है या नहीं है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। आप यहाँ देख पा रहेंगे होंगे कि ए जो है, ध्यान से देखते चलिएगा, मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, हम एक बार यहाँ पे लिख पा रहे हैं। ध्यान से देखते चलिए कि मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू है ए इक्वल टू क्या दे रखा था, 202 था। और एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या दे रखा था, 13-1। और मैट्रिक्स बी का जो वैल्यू दे रखा है वो क्या दे रखा है, मैट्रिक्स बी का जो वैल्यू दे रखा है 2-1, 2-1-1, 3-2-0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2-1, 3-2-0। क्या है, 2-1-1। अब यहाँ देखिए, आपके पास ए और बी का वैल्यू दे रखा है, मैट्रिक्स ए का भी वैल्यू दे रखा है और मैट्रिक्स बी का भी वैल्यू दे रखा है। आपसे क्या पूछा जा रहा था कि ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा। ए इंटू बी का वैल्यू हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बी इंटू ए का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा क्या पूछा जा रहा है, बी इंटू ए का वैल्यू क्या होगा। हम क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स का आपस में यदि आपको गुणा करना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेना है। ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या बताए थे कि यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल करना है, ध्यान से सुनिए, हम फिर से बता रहे हैं, यदि दो मैट्रिक्स का गुणनफल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल लेना है। यदि आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालते हैं तो इसमें रो की संख्या कितना है, 2, कॉलमों की संख्या कितना है, 2। यहाँ रो की संख्या कितना है, 3, और कॉलमों की संख्या कितना है, 2। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 3:2 हो गया। और मैट्रिक्स बी का अगर आप ऑर्डर निकालना चाहें, इसमें रो की संख्या कितना है, 2, और इसमें कॉलमों की संख्या कितना है, 3। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का हम ऑर्डर फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इस दोनों का गुणनफल पॉसिबल है या नहीं है, मतलब बी इंटू ए का वैल्यू निकालना संभव है या नहीं है। हम क्या बताए हैं कि दोनों ऑर्डर को एक साथ आप लिख लीजिए। यदि बीच वाला संख्या सेम है, इसका मतलब क्या कि बी इंटू ए करना पॉसिबल है। और इसका बी इंटू ए के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए,
हमको तो ये पता चल चुका है कि हम b इंटू ए कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि बीच वाला संख्या क्या हो गया है, सेम हो गया है, क्या हो गया है, सेम हो गया। तो हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स बी को एक बार लिख लेते हैं, यहाँ 1 3 -1 2 0 2 और मैट्रिक्स बी गुना है तो गुना लिख दिए बी, यहाँ गलत लिख दिए हैं, मैट्रिक्स बी इंटू ए है। ध्यान से देखते चलिएगा, हम बता रहे हैं किस चीज का वैल्यू निकालना था कि बी इंटू ए का वैल्यू क्या होगा। तो बी का वैल्यू दे रखा है 2 1 -1 3 2 0 और इसका ऑर्डर क्या है 2:3 इंटू ए। मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या दे रखा है 1 3 -1 2 0 2 दे रखा है, इसका ऑर्डर क्या है तो 3:2 है। तो बीच वाला संख्या क्या हो गया, सेम हो गया, इसका मतलब क्या, गुणनफल संभव है। तो जब आप इस दोनों को गुना करते हैं तो गुना करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। इस नए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, यहाँ देखिए यहाँ क्या छूट गया 2 और यहाँ क्या छूट गया 2, तो नए वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2:2 हो जाएगा। अब हम गुना कैसे करते थे, तो रो को कॉलम के साथ गुना करते थे। तो रो को मतलब क्या कि इस रो को कहाँ पे रखते हैं, रखेंगे कॉलम के पास रखेंगे। अब बताइए जब इस रो को कॉलम के पास रखिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। इसका मतलब 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। यदि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा, और 1 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास चला जाएगा, और -1 किसके पास चला जाएगा, -1 के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करना है किससे, -1 से। अब इसका अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, और 1 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 1 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और -1 × -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 × 2 = 5, 1 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए इस फिर से मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट रो है उसको फिर से कहाँ ले जाना है, सेकेंड कॉलम पे ले जाना है। ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक कि बाद वाले में कॉलम खत्म ना हो जाए, अभी तो एक कॉलम बचा हुआ है। इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स बी का जो फर्स्ट रो है उसको हमको कहाँ ले जाना है, मैट्रिक्स ए के सेकेंड कॉलम के पास ले जाना है। तो जब आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास। इसका मतलब क्या है कि 2 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 2 को अब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, और -1 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से। अब बताइए 2 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 × 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, और 2 × -1 करेंगे क्या हो जाएगा -2। अब बताइए 4 - 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया 2। अब तो कॉलम सेट किया, अब बचा है कॉलम, नहीं बचा है, इसका मतलब क्या अब फर्स्ट रो का भी काम खत्म हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड रो क्या है, ये है आपका। अब इसको फिर से उठा के डालना है कहाँ पे, फर्स्ट कॉलम पे। तो जब इस 3 2 0 को उठा करके डालिएगा फर्स्ट कॉलम पे, तो फर्स्ट कॉलम जब डालते हैं तो 3 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, 2 किसके पास चला जाएगा 3 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा -1 के पास। इसका मतलब क्या है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 किसके पास चला जाएगा 3 के पास चला जाएगा, 2 किसके पास चला जाएगा 3 के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है दोनों बॉक्स को देखिए, 2 किसके, अगर आप पहले वाले बॉक्स को उठा करके दूसरे वाले बॉक्स पे डालते हैं तो 3 जो है, यहाँ देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, तो जब इस बॉक्स को आप रखते हैं दूसरे वाले बॉक्स पे 3 किसके पास चला जाएगा, रखते कैसे हैं, इसको उठाएं और इसके ऊपर में डाल दिए, तो जब डालिएगा तो क्या हो जाएगा 3 जो है 1 के पास चला जाएगा। इसका मतलब 3 को 1 से गुणा करना है और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करना, -1 से। अब बताइए 3 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 6, और 0 × -1 करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो 6 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 9 रख दिए। अब क्या करना है, अब बताइए कि इसमें तो एक कॉलम अभी और बचा हुआ है, एक कॉलम अभी और बचा हुआ है। इसका मतलब अब जो है हमको इस रो को उठा करके कहाँ डालना पड़ेगा, कहाँ डालना पड़ेगा, सेकेंड कॉलम पे डालना पड़ेगा। तो जब फर्स्ट रो को उठा करके आप सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो 3 किसके पास चला जाएगा 2 के पास, 2 किसके पास चला जाएगा 0 के पास, 0 किसके पास चला जाएगा 2 के पास। बस आपको उठा करके देखिए ना, इसको उठाएं और इसके ऊपर में डाल दें, तो जब इसके ऊपर में आप डालते हैं तो क्या हो जाएगा 3 जो है 2 के पास चला जाएगा। इसका मतलब 3 को मल्टीप्लाई तो करना है, बट इस बार किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से।
और टू किसके पास चला जाएगा, जीरो के पास, तो जीरो से मल्टीप्लाई करना है। प्लस जीरो किसके पास चला जाएगा, टू के पास, इसका मतलब जीरो को आप किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो थ्री इंटू टू करेंगे क्या आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या पता चला कि बी इंटू ए का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 6296 के बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, बॉक्स को उठा करके दूसरे वाले बॉक्स में डालना है। तो जब एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स पर आप डालिएगा तो थ्री किसके पास चला जाएगा, टू के पास, टू किसके पास चला जाएगा, जीरो के पास, और जीरो किसके पास चला जाएगा, टू के पास। क्लियर है? तो उस केस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगा। एक बार हम बॉक्स का कंसेप्ट आपको फिर से दिखा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको किसी भी टाइप का आगे चल करके प्रॉब्लम ना हो, उसी चीज़ को हम समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक बार आपको बॉक्स का कंसेप्ट फिर से सिखाते हैं। ध्यान से देखते चलिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, 3x3 का मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 3x3 का मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं। बस बॉक्स को आपको देखना है, यदि आप इस बॉक्स को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स में तीन नंबर है, दूसरा बॉक्स ये, एक्चुअल में ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है, ये जो बॉक्स है ये क्या है, रो है, और इसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो रो को हमेशा किससे गुना करते हैं, कॉलम से गुना करते हैं। इसमें भी कितना बॉक्स है, तीन बॉक्स है। तो जब इस बॉक्स को उठा करके यहाँ पे डालिएगा, ठीक, इस बॉक्स को उठाएं और उठा करके इस पे डालिएगा, इसका मतलब क्या है कि यदि ये स्टार है, मान लेते हैं ये वन है, ये वन है और ये टू है और ये थ्री और ये फोर है और ये फाइव है, सिक्स है। अब बताइए, इस बॉक्स को ऐसे उठाइए और इसके ऊपर में डालिए, तो जब आप इसके ऊपर में डालते हैं तो वन किसके पास चला जाएगा। यहाँ देखिए, हम फिर से बना रहे हैं, ये आपको फोर फाइव सिक्स है। जब इसके ऊपर में ये बॉक्स उठा करके डालिएगा इस तरह से, तो यहाँ पे भी तीन बॉक्स हैं, तो ये वन हो गया और ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। इसका मतलब फोर किसके पास चला गया, वन के पास, फाइव किसके पास चला गया, टू के पास, सिक्स किसके पास चला गया, थ्री के पास। इसका मतलब क्या है कि फोर को वन से गुना करना है, फाइव को किससे गुना करना है, टू से, और सिक्स को किससे गुना करना है, थ्री से। गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना, उस तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना। तो उठाने का मतलब समझ में आ गया, जब भी उठाएंगे इस तरह से उठाएंगे। तो यदि आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको गुना में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको रटना नहीं है, बस आपको क्या करना है, बस ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि रो को हमेशा कॉलम से गुना करते हैं, और गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, रो को उठा करके कॉलम पे डालते हैं, और ये प्रोसीजर तब तक चलते रहता है जब तक कि दूसरे वाले में कॉलम खत्म ना हो जाए। जैसे ही कॉलम खत्म हुआ तो उस रो का भी काम खत्म हो गया, फिर दूसरा रो से स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरा रो से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से करते करते हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, ध्यान से देखते चलिएगा, एक क्वेश्चन और है। ये जो क्वेश्चन है ये भी क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते चलिए। अब यहाँ देखिए, मैट्रिक्स ए जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, 6923, और मैट्रिक्स बी क्या दे रखा है, 260798। अब हमको क्या करना है, इस दोनों, ये ए मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स बी दे रखा है। अब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को क्या करना है, गुना करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। अब बताइए, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स ए क्या है, 6923 है, बीच में क्या है, गुना, गुना लिख दिए। उसके बाद क्या है, मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स बी को लिख देंगे 260798। अब बताइए, गुना करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, सेम नहीं, दोनों का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। यहाँ गलत बोल दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो मैट्रिक्स को यदि आपको गुना करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं। यदि आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालिएगा, इसमें रो की संख्या कितना है, दो, कॉलमों की संख्या कितना है, दो। अब इसमें यदि आप इस मैट्रिक्स का यदि आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:3। अब बताइए, बीच वाला संख्या क्या हो गया, सेम हो गया। यदि बीच वाला संख्या सेम हो गया, इसका मतलब क्या कि आप गुना कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। यदि आप गुना कर सकते हैं तो गुना करिएगा, तो गुना करने के बाद जो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, परिणामी आव्यूह, या उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2:3। यहाँ देखिए यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये जो नया वाला मैट्रिक्स गुना करने के बाद आपको मिलेगा उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2:3 होगा। क्या होगा, 2:3 होगा। अब बात आता है कि सर ये गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिला उसका अवयव कैसे निकालें। उसका अवयव कैसे निकालें, तो अब हम सीखेंगे कि अवयव कैसे निकालना है। ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या बताए हैं कि रो को किससे गुना करते हैं, कॉलम के साथ। यहाँ देखिए फर्स्ट रो ये हो गया, इसको उठा करके डालना है फर्स्ट कॉलम पे। जब इसके ऊपर में डालिएगा तो 6 जो है किसके पास चला जाएगा, इसको उठाइए इस तरह से डालिए, तो जब आप इसको उठा करके डालिएगा तो 6 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, तो 6 गुना 2 प्लस 9 किसके पास चला जाएगा, 7 के पास, तो 9 गुना 7, तो ये क्या हो गया, 9 × 7 = 63 और 6 × 2 = 12, 12 + 63 कितना हो गया, 3 × 2 = 5 = 6, 1 प्लस कितना हो गया, 75 हो गया, यहाँ हो गया 75। अब बताइए अभी तो रो तो कम नहीं हुआ, अब सॉरी कॉलम तो अभी है, इसका मतलब फिर से इस कॉलम को उठा करके कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप इसको सेकेंड कॉलम पे फर्स्ट रो को उठा करके डालते हैं तो 6 किसके पास चला जाएगा, 6 के पास, और 9 किसके पास चला जाएगा, 9 के पास। अब बताइए 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7, 8 × 3 = 11, ये हो गया 117, कितना हो जाएगा, 117। अब फिर इसको गुना करना है, अभी कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम अभी बाकी है, इसका मतलब क्या कि फिर से इसको उठा करके डालना है कहाँ पे, थर्ड कॉलम पे। तो जब इस फर्स्ट रो को उठा के थर्ड कॉलम पे डालिएगा 6 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, इसका मतलब 6 को किससे गुना करना है, 0 से, प्लस 9 को किससे गुना करना है, 8 से। अब बताइए क्या हो जाएगा, 6 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 9 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 72, तो 72 + 0 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 72। अब यहाँ देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो का तो काम हो गया खत्म, क्योंकि अब जो है कॉलम बचा ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो सेकेंड रो से। मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो क्या है, 2 का जो एलिमेंट है 2 और 3 है। अब इस बॉक्स को उठा करके आपको क्या करना है, मतलब क्या कि सेकेंड रो को उठा करके आपको डालना है फर्स्ट कॉलम पे। जब आप फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में ध्यान से देखते चलिएगा, उस केस में 2 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास, और 3 किसके पास चला जाएगा, 7 के पास। उठाना कैसे, इस तरह से, तो जब यहाँ पे उठाइएगा तो ये क्या है, 2 है, और इसको मान लीजिए 3, तो इसको जब उठा करके इस पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा, और ये जो आपको 3 है वो किसके पास चला जाएगा, 7 के पास चला जाएगा, ये जो है किसके पास चला जाएगा, 7 के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को गुना करना है, 2 को गुना करना है किससे, तो 2 से, और 3 को गुना करना है किससे, 7 से, तो 2 × 2 + 3 × 7, तो 2 × 2 करेंगे कितना हो गया, 4, और 7 × 3 करेंगे कितना हो गया, 21, 21 + 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 25। अब क्या करना है, अब दूसरे वाले मैट्रिक्स में देखिए कॉलम अभी तो बाकी है, इसका मतलब क्या कि मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को फिर से उठा करके कहाँ डालना है, फिर से उठा करके आपको डालना है सेकेंड कॉलम पे। जब आप सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो 2 किसके पास चला जाएगा, 6 के पास, 3 किसके पास चला जाएगा, 9 के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को किससे गुना करना है, 6 से, तो 2 को यदि आप 6 से गुना करते हैं और 9 को किससे गुना करेंगे, 3 से, तो 2 × 6 करेंगे कितना हो गया, 12, और 9 × 3 करेंगे कितना हो गया, 27, 7 × 2 = 9, 2 = 1, 3 कितना हो गया, 39 लिख। अभी भी एक कॉलम बाकी है, इसका मतलब क्या कि सेकेंड रो को उठा करके अब कहाँ डालेंगे, तो थर्ड कॉलम पे डालेंगे। जब आप सेकेंड रो को उठा करके थर्ड कॉलम पे डालिएगा तो 2 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, 3 किसके पास चला जाएगा, 8 के पास। इसका मतलब 2 को किससे गुना करना है, 0 से, तो 2 × 0 = 3 × 8,
तो दो गुना जीरो करेंगे तो जीरो, प्लस आठ गुना तीन करेंगे कितना हो गया चौबीस, ये हो गया चौबीस। ये जो आपको दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, ए गुना बी का वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुना किस टाइप से करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, मतलब आव्यूह, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब आव्यूह गुणन के गुण के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि सामान्य तौर पर ए गुना बी का वैल्यू बी गुना ए के बराबर नहीं होता, अर्थात क्रम विनिमय नियम का धारण जो है नहीं कर पाता, या आप यह कह लें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के केस में एग्जिस्ट नहीं करता। क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता। ये इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। ध्यान से सुन लीजिएगा, हम क्या बताए हैं, ए गुना बी का वैल्यू, इससे पहले दो क्वेश्चन हम बता चुके थे कि ए गुना बी का वैल्यू निकालते हैं, तो उस केस में ए इंटू बी का वैल्यू कुछ और आ रहा था, बी इंटू ए का वैल्यू कुछ और आ रहा था। हम क्या देख पा रहे हैं कि ए इंटू बी का वैल्यू बराबर भी आ सकता है और a इंटू बी का वैल्यू बराबर नहीं भी आ सकता। एक एग्जांपल देखिए, मान लेते हैं a इक्वल टू हम कंसीडर किए हैं 100 और b इक्वल टू कंसीडर किए हैं 2002। यदि आप a इज टू b निकालते हैं, a इज टू b निकालने का मतलब क्या हुआ, a का वैल्यू 1001 है इंटू b, b का वैल्यू क्या है 2002। यहाँ देखिए जब इसका आप वैल्यू निकालने का कोशिश कीजिएगा तो गुना तो कर सकते हैं, और गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2:2 हो जाएगा। तो गुना कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ, इसका मतलब क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2 के पास चला जाएगा, तो 1:2 करेंगे क्या हो जाएगा 2, और 0:0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो 2+0 करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जब हम इसको फिर से गुना करेंगे किसके साथ, सेकेंड कॉलम के साथ, तो इसका मतलब क्या, इसको फर्स्ट रो को उठा करके सेकंड कॉलम पे डालना है, तो वन किसके पास चला जाएगा 0 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा 2 के पास, तो 1:0 प्लस 2:0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसी तरीका से यदि हम इस 0-1 को अब तो 0-1 को कहाँ डालेंगे, फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे। क्यों फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। जब आप फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में 0-2 के पास चला जाएगा, और 1 किसके पास चला जाएगा 0 के पास, तो 0:2 प्लस 1:0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर से, अब अभी एक कॉलम अभी भी बाकी है, एक कॉलम अभी भी आपको बाकी है, इसका मतलब क्या कि सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे डालना होगा। तो जब आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे डालिएगा इस तरह से, तो उस केस में 0 किसके पास चला जाएगा 0 के पास, और 1 किसके पास चला जाएगा 2 के पास, तो 0:0 प्लस 2:1 करेंगे क्या हो जाएगा 0+0 0, और 2:1 करते हैं क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, 2+0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको यहां से क्या पता चला कि a इंटू बी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल के आया, 2:0:0 के बराबर आया। अब हम क्या करते हैं, b इंटू ए का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो b इंटू ए का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, अभी आपको दिखा चुके हैं कि a इंटू बी का जो वैल्यू आया है 2:0:0 आया है। अब हम निकालने का कोशिश करते हैं, क्या निकालने का कोशिश करते हैं, b इंटू ए निकालने का कोशिश कर रहे हैं, b इंटू ए, ध्यान से देखते चलिएगा। b इंटू ए अगर आप निकालते हैं तो मैट्रिक्स b को पहले लिखना पड़ेगा 2:0:0 इंटू ए, a का वैल्यू क्या है 1:0:0 और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2:2 है, तो 2:2 और यहाँ भी क्या है 2:2, तो बीच वाला संख्या क्या हो गया समान हो गया, इसका मतलब गुणनफल संभव है, और गुना करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 बचा हुआ है और यहाँ भी 2 बचा है, तो गुना यही जो है गुना करने के बाद
जो नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं परिणामी आव्यूह कहते हैं, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2:2 हो जाएगा। अब इसका हम एलिमेंट खोजते हैं, तो हम क्या करते हैं रो को किसके साथ गुणा करते हैं कॉलम के साथ। इसका मतलब 20 फर्स्ट रो को यदि आप फर्स्ट कॉलम पे डालेंगे तो उस केस में 2 किसके पास चला जाएगा 1 के पास, और 0 किसके पास चला जाएगा 0 के पास। तो 2 × 1 प्लस 0 × 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना 2 × 1 प्लस 0 × 0 तो 2 × 2 = 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 × 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो 2 + 0 का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 2 के बराबर ही आ रहा है। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर आया है 2 के बराबर आया। अब बताइए दूसरे वाले मैट्रिक्स में अभी तो कॉलम अभी बचा हुआ है, इसका मतलब क्या कि इस ये जो आपको रो दिख रहा है इसको फिर से उठा करके कहाँ डालना है, इस बार आपको डालना है सेकेंड कॉलम पे। तो जब आप सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 जो है 0 के पास चला जाएगा और 0 जो है 1 के पास चला जाएगा। तो 2 × 0 प्लस 0 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 × 2 करेंगे, अब यहाँ देखिए अब इसका तो काम खत्म हो गया, मतलब क्या कि फर्स्ट रो का तो अब काम क्या हो गया खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से सेकेंड रो से। अब फिर से इस सेकेंड रो को कहाँ पे डालना है फर्स्ट कॉलम पे डालना है। तो जब आप इस सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा उठा करके इस तरह से, तो 0 किसके पास चला जाएगा 1 के पास और 2 किसके पास चला जाएगा 0 के पास। इसका मतलब ये हुआ कि 0 × 1 करना है और 2 × 0 करना और दोनों के वैल्यू को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो जोड़िएगा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब अभी कॉलम तो अभी भी एक बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इस ये जो आपको रो दिख रहा है सेकेंड रो मैट्रिक्स बी का, इसको क्या करना है सेकेंड कॉलम पे डालना है। कहाँ पे मैट्रिक्स ए के सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप इस पे डालिएगा तो 0 किसके पास चला जाएगा उठा करके इस तरह से डाल दीजिए, आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 0 के पास चला जाएगा और 2 1 के पास चला जाएगा। तो 0 × 0 और प्लस 2 × 1 करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि b इंटू ए का वैल्यू क्या आ रहा है 2002 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि जनरली क्या होता है कि a इंटू बी का वैल्यू b इंटू ए के बराबर नहीं होता, बट सम स्पेशल मैट्रिक्स के केस में ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर भी हो सकते। तो कैसे बराबर हुआ उसके पीछे का रीजन बता दिए हैं और उसका एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको हम समझा दिए हैं, और कैसे बराबर नहीं होता है इससे पहले जो हम 2 क्वेश्चन बताए हैं उसमें आप क्या कीजिए चेक कर सकते हैं a इंटू बी का वैल्यू कुछ और आ रहा था और b इंटू ए का वैल्यू कुछ और आ रहा था। तो जनरली क्या होता है कि a इंटू बी का वैल्यू b इंटू ए के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के केस में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब क्रम विनिमय नियम जो होता है गुणा धारण नहीं करता। कुछ विशेष मैट्रिक्स के लिए a इंटू बी का वैल्यू b इंटू ए के बराबर भी हो सकता है और उसके बारे में अभी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ देखिए यदि हम आपसे ये पूछे ये जो मैट्रिक्स ए दिख रहा है मैट्रिक्स ए क्या है, तो मैट्रिक्स ए क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी को हम क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता होगा कि जब हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे कि यदि किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सारा एलिमेंट क्या हो 1 के बराबर हो और डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का यदि एलिमेंट मतलब अवयव शून्य हो तब उस केस में उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं तो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स केस में एग्जिस्ट जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है या होल्ड नहीं करता है। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि आव्यूहों का गुणन आव्यूह a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू क्या है ए बी प्लस ए सी के योग के संबंध के वितरणात्मक क्या है वितरणात्मक है। यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। मतलब जनरली क्या कर रहा है कि a इंटू बी प्लस सी कहीं लिखा हुआ था, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा और जब इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो अब ये जो है ए इंटू कहीं पे यदि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी प्लस सी लिखा हुआ है तो उसको आप क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए इंटू बी
प्लस मैट्रिक्स ए इंटू सी भी लिख सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है या नहीं है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप इस एग्जाम्पल को देखिए और आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि जो हम कहना चाह रहे हैं वो सही है या नहीं। देखिए मैट्रिक्स वन इक्वल टू ले रहे हैं 1 0 0 1 और मैट्रिक्स बी इक्वल टू ले रहे हैं हम 2 0 0 1 ले रहे हैं और मैट्रिक्स सी जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कंसीडर कर रहे हैं 3 4 5 6 कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, हम LHS का वैल्यू निकाल रहे थे, इसको कह रहे हैं LHS और इसको कहते हैं RHS। यदि LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो गया तब हम क्या कहेंगे कि A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू जो लिखा हुआ है ए बी प्लस बी सी वो क्या है, सही है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तब हम क्या कहेंगे कि ये गलत है। तो हम चेक कर लेते कि ये सही है या गलत है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, आज का टारगेट क्या है कि आप इसको एक बार देखिए और आप इस पे क्या कीजिएगा, बना करके देखिएगा और हम कल जो है इसी को आगे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो आपको होमवर्क है कि हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, इस पे आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी होता है या नहीं। इसको चेक करने के लिए LHS का वैल्यू निकालिए और RHS का वैल्यू निकालिए। यदि ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब जो लिखा गया है वो सही है। अगर नहीं बराबर आएगा तो हम क्या कहेंगे, जो लिखा हुआ है वो गलत है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे। तो आपको होमवर्क है कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। प्रूव करने के बाद फोटो खींचना है और फोटो खींच करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।